सांसें थम गई थी। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जिसका जो था हर कोई कह रहा था कि नहीं भगवान इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। और शायद दुआओं का ये असर था कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मैच हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। वो इतना ट्रोल किया आप लोगों ने, पूरे आईपीएल आपने ट्रोल किया कि रोहित के सामने क्या है, ये क्या है, वो क्या है, रोहित के पैर की जूती नहीं है, छपड़ी है, रोहित को हटा के ये कप्तान बनेगा। भैया उसी ने वर्ल्ड कप जिताया। तो कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने मैच बनाया, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह ने मैच जिताया। हेकड़ी निकाल टीम इंडिया ने लहराया शान से तिरंगा, 17 साल बाद रोहित सेना ने जीता T20 वर्ल्ड कप खिताब। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 147 रन पर 4 विकेट थी, लगा खत्म हो गया यार, फिर एक बार कैसे हो सकता है। 2023 में ऐसे आंसू निकले थे, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता यार। छपड़ी बोल बोल के कुछ लोग तो अपनी दुकानें चला रहे, छपड़ी बोल बोल के भाई उसने दिखाया हार्ट ऑफ अ चैंपियन क्या होता है। मैच खत्म था, 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, मैच डेड था। क्लासिन को आउट करता है हार्दिक पांड्या। एक हारा हुआ, एक ऐसा मैच जो साउथ अफ्रीका की झोली में जा चुका था, वहां से मैच पलटा है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों ने शानदार पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका के सपने को तोड़ कर रख दिया। जबड़े से जीत को छीना, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और बावजूद इसके साउथ अफ्रीका की टीम यहां से चौक कर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है साउथ अफ्रीका को 7-1 से हरा कर। ये मैच बहुत सनसनीखेज हुआ है, साउथ अफ्रीका ने जीता हुआ मैच हार लिया है। साउथ अफ्रीका की जानब से क्लासन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, 27 गेंद पर 52 रन बनाए थे। इंडिया ने ये 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है और साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा जोकर ही रही है और इस मैच में भी चौक कर गई है। आइए इसके ऊपर देखते हैं कि इंडियन मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी करते हैं। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। इस लम्हे का इंतजार हम और आपने साल 2011 से किया था। कमाल का मैच यार, मतलब सांसें थम गई थी। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जिसका जो था हर कोई कह रहा था कि नहीं भगवान इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। और शायद दुआओं का ये असर था कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मैच हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। 7 रनों से ये जीत जो है 2 ओवर पहले असंभव सी लग रही थी, 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 147 रन पर 4 विकेट थी, लगा खत्म हो गया यार, फिर एक बार कैसे हो सकता है। 2023 में ऐसे ही आंसू निकले थे, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता यार भगवान, इस बार तुम जीत कर आओगे। और इंडिया जीत गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर न्यू वर्ल्ड चैंपियन। सारी दुनिया हम पर संदेह कर रही थी, लेकिन बुमराह ने, विराट ने, अर्शदीप ने, हार्दिक ने, अक्षर ने और टीम इंडिया ने, सूर्य कुमार यादव ने यह मेक श्योर किया कि हम और आप 13 साल बाद रो सकते हैं, 13 साल बाद इस रात के गवाह बन सकते हैं। हम और आप ये कह सकते हैं कि हमने ये मैच देखा था, हमने इंडिया को वहां से जीतते हुए देखा था जहां से जीत नहीं होती है। जिताया किसने? हार्दिक पांड्या। जिस आदमी को इतना ट्रोल किया आप लोगों ने, पूरे आईपीएल आपने ट्रोल किया कि रोहित के सामने क्या है, ये क्या है, वो क्या है, रोहित के पैर की जूती नहीं है, छपड़ी है, रोहित को हटा के ये कप्तान बनेगा। भैया उसी ने वर्ल्ड कप जिताया और वो ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है मेरी नजरों में, हार्दिक पांड्या। पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए हार्दिक पांड्या। पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक भाई डिवोर्स के रूमर्स उसके आ रहे थे, रोहित शर्मा के चक्कर में वो पेला जा रहा था रोज। मुंबई इंडियंस वालों ने हालत खराब कर दी, फैंस ने छपड़ी बोल बोल के, कुछ लोग तो अपनी दुकानें चला रहे, छपड़ी बोल बोल के भाई उसने दिखाया हार्ट ऑफ अ चैंपियन क्या होता है। मैच खत्म था, 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, मैच डेड था। क्लासिन को आउट करता है हार्दिक पांड्या, लास्ट ओवर में 16 रन, फिर भी लोगों को डर लग रहा था कि यार मिलर कुछ कर ना दे, आउट करता है हार्दिक पांड्या। ट्रिमेंडस कैच बाय सूर्य कुमार यादव, बट यार हार्दिक पांड्या लव यू ब्रदर, जिताना तूने ही था, तू ही आया, तेरे बारे में लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे कि इसको टीम से निकालो, ये क्यों टीम में, इसका तो आईपीएल बेकार गया, रोहित उसको लेके जा रहा है, रोहित क्यों लेके जा रहा है, भैया हार्दिक की तो जगह नहीं बनती, रिपोर्ट्स आ रही थी कि हार्दिक को तो चाह नहीं रहते थे, जबरदस्ती फिट कर दिया। भाई उसी ने वर्ल्ड कप जिताया, उसी ने वर्ल्ड कप जिताया। और आज आप जितना मर्जी बोल लीजिए भाई, मैं तो विराट कोहली को भी सैल्यूट करता हूं, ठीक है शुरू में फंस गया था, पूरा टूर्नामेंट नहीं चला, फाइनल में आके रन मारे भाई, और फाइनल में जो रन मारे हैं They were enough. Yes. 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 Yes.
तो कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने मैच बनाया। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह ने मैच जिताया टीम इंडिया को लगभग 14 सालों के बाद, या एक तरीके से 13 सालों के बाद, क्योंकि 2011 में हम आखिरी बार वर्ल्ड कप जीते थे, 13 सालों के बाद वर्ल्ड कप जिताया। जी हां, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, आखिरकार 13 सालों का सूखा खत्म हुआ है और टीम इंडिया ने एक हारा हुआ, एक ऐसा मैच जो साउथ अफ्रीका की झोली में जा चुका था वहां से मैच पलटा है और टीम इंडिया ने 2011 के बाद आखिरकार 2024 में आकर एक वर्ल्ड कप जीता है, या फिर और उसको सिंप्लीफाई कर दे, 2007 में आखिर बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, लगभग 17 सालों के बाद हमने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है। चौकस के हेकड़े निकाल टीम इंडिया ने लहराया शान से तिरंगा, 17 साल बाद रोहित सेना ने जीता T20 वर्ल्ड कप खिताब, चकनाचूर कर दिए गुच्छों में रिकॉर्ड, गदगद हो उठा पूरा हिंदुस्तान। 29 दिन 55 मैच और 20 टीमें, अंत में बची सिर्फ दो टीमों में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसे कभी जिंदगी में कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं पाएगा, कि टीम इंडिया ने 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर साउथ अफ्रीका को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। इस मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों शानदार पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका के सपने को तोड़ कर रख दिया। पहले विराट कोहली ने चौके छक्के लगा तूफान मचाया, फिर जसप्रीत बुमराह ने ऐसा गुमराह किया जिसने सबको हैरान कर दिया। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस वर्ल्ड कप जीत का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो हमारे कप्तान साहब और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा क्या ही कहने, टीम इंडिया ने वो जबड़े से जीत को छीना, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को और बावजूद इसके साउथ अफ्रीका की टीम यहां से चोक कर गई। 23 बॉल में 24 रन बनाने थे, 5 विकेट उनके पास बाकी थे, बावजूद अगर साउथ अफ्रीका टीम हार गई तो क्या ही कहने, टीम इंडिया ने ब्रिलियंट कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, गेंदबाजी बुमराह की, विराट कोहली ने 59 बॉल पे 76 रन की पारी और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की वो गेंदबाजी देखकर भाई उनके नाम पे ना स्टैंड नहीं होना चाहिए बल्कि एक पूरा स्टेडियम बनवा दो, इतना ज्यादा काबिल गेंदबाज भारत के पास हुआ। दोस्तों वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।